मैं HKV शो से अभी मैं ये जो थिएटर है आकाश थिएटर कुर्ला में है, जिसके मैं भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई है दूल्हा चोर, आज मैं आज उनकी जो हीरोइन है कल्पना शाह जी से मैं पूछना चाहूँगा। कल्पना शाह जी बताइए अपने बारे में। आज ये फिल्म रिलीज़ हुई है दूल्हा चोर, जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए है कि ये फिल्म बहुत नीट एंड क्लीन है और समाज को अच्छा संदेश देने वाली फिल्म है, और उम्मीद करती हूँ दूल्हा चोर जो है अच्छा बिजनेस करे। ये कहाँ पिक्चराइज कहाँ पे हुआ है मैडम? हमने पूरी फिल्म बॉम्बे में शूट की है दूल्हा चोर जो है, और हमारा मेन मोटिव था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए फिल्म के अंदर, और नारी का उत्थान होना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ है। लेकिन फिल्म कम्प्लीटली एंटरटेनिंग है, इसमें बहुत सारे रोमांटिक गाने हैं, एंटरटेनमेंट भरपूर है फिल्म के अंदर। आपके डांस हैं इसमें? बहुत डांस है मेरा हर सॉन्ग में हर गाने में मैंने पूरा भरपूर डांस किया है। तो आपका एज ए हीरोइन पूरा किरदार है ना? जी, फिल्म में थ्रू आउट बिगनिंग टू एंड, अच्छी बात इसमें यह है कि मैंने डांस तो काफ़ी किया है और डांस के साथ में मैंने एक्शन भी बहुत किया फिल्म में। आप जैसे नॉर्मली हीरो को फाइट करते देखते हैं, आप इस फिल्म में आप मुझे फाइट करते देखेंगे। तो मैडम ये बताइए कि इसका जो दूल्हा चोर है ये किधर से आया है दूल्हा चोर, इसका स्टोरी क्या है, कुछ थोड़ा सा अगर बताएंगे तो मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा बता सकूं। देखिए ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती, लेकिन एक मिथिला में एक ट्रेंड होता है कि जब कोई गरीब बाप होता है और उसकी कोई बेटी सुंदर बेटी होती है और वो बड़ी हो चुकी होती है, तो उसको शादी की चिंता होती है, और गरीब बाप बिना दहेज के कैसे शादी करेगा। तो वहाँ पे एक ट्रेंड है किसी का लड़का छीन झपट करके या चुरा के कैसे भी करके अपनी बेटी की शादी कर दो, बस कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है फिल्म। तो इसमें कुछ डाउरी सा तो नहीं है, डाउरी दिखाया गया ऐसा तो नहीं है? देखिए ऑफ कोर्स दहेज की कमी की वजह से ही इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, कहीं से दूल्हा चोरी किया जाता है, दहेज की कमी होती है और समाज में जो दहेज प्रथा चल रही है, शायद अगर ये ना होती तो इस तरह की जो कुरीतियाँ समाज में ना होती, सीधे साधा बस शादी हो जाती, लेकिन इन कुरीतियों की वजह से दूल्हा को चोरी किया जाता है और फिर अपनी बेटी की शादी उससे कर दी जाती है। मेरा जहाँ तक आइडिया है दूल्हा चोर जो एक पिक्चर का टाइटल रखा गया है उसका उसकी वजह है कि इसमें यानी कि समाज को एक संदेश भी है और दूल्हा चोर एक इंटरटेनमेंट भी हो गया नाम बहुत है। एंटरटेनिंग है फिल्म, बहुत बहुत एंटरटेनिंग है, बिगनिंग टू एंड 2 घंटे कैसे आपके गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसके साथ मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी कि दूल्हा चोर तो मेरी अभी बॉम्बे रिलीज़ हुई है, और अभी मेरी लास्ट वीक एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है दहेज दानव, वो भी बेसिकली जो डाउरी सिस्टम पे बेस्ड उसकी भी कहानी है, लेकिन वो भी कम्प्लीटली एंटरटेनिंग फिल्म है। तो मेरी एक ही स्पेशलिटी कह सकते हैं कि मैं फिल्में करती हूँ सोशल, लेकिन वो कम्प्लीटली एंटरटेनिंग होती हैं। आप तो एकदम ताज़ी दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं, तो आने वाले वक्त पे भी हम जो भोजपुरी फिल्म के जो दर्शक हैं वो आपसे काफ़ी उम्मीदें रखेंगे, क्योंकि आप हैंडसम स्मार्ट और अच्छी दिख रही हैं। जी शुक्रिया, इतनी सारी तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सालों साल जितने भी मेरी ऑडियंस है मैं सबको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूं। तो मैडम ये आप यहीं पे रहिए, मैं फिल्म के हीरो को भी बुला देता हूँ साथ में, अगर ले लेंगे इंटरव्यू। हाँ, आपका नाम झा, पूरा नाम क्या है? कुमार घनश्याम। कुमार घनश्याम, थोड़ा सा और ऐसे आ जाएंगे तो ये दिखेगा ना। हाँ, थोड़ा सा आप इस फिल्म के हीरो हैं। हाँ, फिल्म की जो कहानी है उसमें मैं हीरो हूँ, लीड रोल में हूँ। जी, तो ये आपकी कौन सी पिक्चर है? ये हमारी जो भाषा है मैथिली, तो मैथिली लैंग्वेज जो है जो करोड़ों लोग देखते हैं इसे, आज देश विदेश में भी मैथिली समाज बहुत है, बहुत सारे मुंबई में भी जब छठ घाट का आपने देखा होगा, छठ घाट पे जो ज़्यादा लोग आते हैं वो मैथिली ही होते हैं, और सब अब तो सारे लोग आने लगे, लेकिन इस फिल्म से जो है मैथिली एक उभरता हुआ जो है, और मैथिली में काफ़ी पॉपुलर फिल्म है दूल्हा चोर। तो आपका किरदार क्या है इसमें? मैं इसमें दूल्हा हूँ। अच्छा, दूल्हा फिल्म के अंदर मैं जिस लड़के की हम लोग चोरी करते हैं या धोखे से जिसको शादी में करते हैं वो यही है, वो लड़का मैं ही हूँ बदकिस्मती, और उस फिल्म के अंदर उस कैरेक्टर में है खुशकिस्मती ये है कि इस फिल्म को एक अच्छी सी दुल्हन मिल गई उसमें। तो दूल्हा फिल्म में ही चोरी हुआ कि बाहर तो नहीं हुआ है ना?
बाहर नहीं, वो चोरी किए कराए दूल्हा है वो ऑलरेडी नहीं मतलब क्या बोलूं मैं कहने का, देखिए कहने का मतलब है दोस्त हैं बाहर मेरे, अच्छे दोस्त हैं, चोरी मैंने इनको सिर्फ फिल्म के अंदर फिल्म के अंदर ही उन्होंने चोरी कर लिया है। और एक काफ़ी पारिवारिक फिल्म है जो एक मिसेज के साथ है, जो आजकल जो दहेज प्रथा है, जो दहेज के साथ इसमें एक मैसेज गया है कि एक लड़की जो है, अगर सपोज किसी भी लड़की के साथ कोई भी काम होता है या उसको ससुराल वाले निकाल देते हैं या फिर वो पैसे के वजह से हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैक्ट्स हैं इसके अंदर, जो है लड़की जो है ये तैयार होती है, खुद के पैर पे खड़ी होती है और एक अलग तरीके से वो जो है अपने पैर पे खड़ा होकर ससुराल वालों से जो रिवेंज करती है। और वो दिखाती है कि लड़का ही बहुत नहीं है, आपकी दौलत ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर लड़की चाले तो शक्ति है और शक्ति एक प्रकाश है जो पूरी दुनिया में ब्रह्मांड को चलाती है। तो ये तो फिल्म के माध्यम से एक छोटा सा जो है हम ये दिखाया है कि नारी शक्ति क्या चीज़ है, एक तरह से ये सामाजिक संदेश है। और इस फिल्म में नाम से ही पता चलता है दूल्हा चोर है, तो एंटरटेनमेंट है इसमें। तो आपके कितने इसमें गाने डांस हैं? सारे गाने एक आइटम सॉन्ग छोड़ के बाकी तो सारे गाने हमारे ही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म की स्पेशलिटी है कि इसका म्यूज़िक बहुत माइंड ब्लोइंग है। अभी हम चलेंगे सब लोग साथ में फिल्म भी देखेंगे, तो इस फिल्म की स्पेशलिटी कि इसके गाने बहुत बहुत बेहतरीन है। आपको इसका ऑडियो सुनने में ऐसा लगेगा कि मैं किसी हिंदी सिनेमा का ऑडियो सुन रहा हूँ, आपको ऐसा फील होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म ज़रूर बहुत अच्छा करेगी बिज़नेस। अभी आपके हीरो जी ने बोला कि एक इसमें आइटम सॉन्ग भी है, तो वो कैसा है? वो बहुत एंटरटेनिंग है आइटम सॉन्ग, हालांकि किसी और पे पिक्चराइज है, लेकिन आइटम सॉन्ग बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, ज़बरदस्त है। तो ये आज पहला दिन था ये पिक्चर का, आज फ्राइडे है। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक क्या कर रही है, कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, आपको कुछ लगता है कलेक्शंस के बारे में? अभी हम लोग पीछे नंदी सिनेमा से आ रहे हैं, वहाँ पर प्रमोशन करके आ रहे हैं। नंदी सिनेमा के तो रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे और हमने वहाँ पे बहुत मज़ा किया, डांस किया हमने थिएटर के अंदर भी और बाहर भी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तो वहाँ का तो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। होपफुली अभी तो यहाँ पे हम जस्ट पहुँचे हैं, तो फिर देखते हैं यहाँ पर भी कुछ धमाल करेंगे ज़रूर। तो आपको भी उम्मीद है कि कलेक्शन होगा? जिस तरह से मैडम बोल रहे हैं कि हमने धमाल किया, डांस किया, नाच किया, और कौन से कहाँ से देख के आ रही हैं? नंदी सिनेमा बिल्कुल, बैंड्रा में ना जी बिल्कुल। कल्पना शाह जो हैं वो किसी भी नाम की मोहताज नहीं है उनको, कमाल है, वेरी गुड। और उन्हें पूरी इंडस्ट्री जानती है और पूरे जो जितने हमारे दर्शक हैं ये 80 फिल्मों से जो है दर्शक के दिल और दिमाग ये दोनों जगहों पर इन्होंने जो अपना एक जो अपना राज है वो बहुत जादू चलती है इनकी। तो हमारे जो भी दर्शक हैं वो डेफिनेटली इस फिल्म को जब देखेंगे तो इनकी जो अदायगी है, और मैंने तो इनके साथ अभी अभी अच्छा नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि घनश्याम जी ने भी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया फिल्म में और परफॉर्मेंस आप देखेंगे। मुझे इनका एक सीन बहुत अच्छा लगा, आज भी मैं देख रही थी उस सीन को, जब इन्होंने एक वो नशा होने के बाद में जो एक परफॉर्मेंस होती है, हाँ। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो मैं उसके लिए आपको बधाई देती हूँ, आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। मैं तो अभी तक हिंदी सिनेमा का रिव्यू लेता आया हूँ, आज भी मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो सेकंड रिलीज हुई है वो फन रिपब्लिक में मैंने वहाँ पे लिया है। पर मेरा 5-6 दिन से पता नहीं मुझे क्या लग रहा था कि मुझे भोजपुरी फिल्म का भी रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि बता देती हूँ मेरी फिल्म आई थी 15 में यारियाँ फिल्म आई थी, मेरी फिल्म में बहुत सारे अच्छे एक्टर्स थे, हनी सिंह था, उसका गाना भी बहुत पॉपुलर था, आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सनी सनी। तो भोजपुरी करने के साथ में मेरा और भी फील्ड है, हिंदी फिल्म भी करती हूँ, टीवी शोज़ भी करती हूँ, एंड बंगाली फिल्में भी करती हूँ, पंजाबी फिल्में भी करती हूँ, तो कई सारे लैंग्वेजेस में हम लोग काम करते रहते हैं, ऐसा है। तो उम्मीद करूँगी कभी मैं आपको किसी हिंदी सिनेमा के रिलीज़ पे ज़रूर आपको देखना चाहूँगी।
मुझे खुशी होगी। ये मेरा पहला रिव्यू भोजपुरी फिल्म का था और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर इतनी टैलेंटेड हीरोइन और हीरो खड़े हुए हैं, तो इनके इनसे ज़्यादा तो मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं भोजपुरी फिल्म का पहला रिव्यू मैं ले रहा हूँ। लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन मैं आज पहुँच ही गया। मैं सुबह 9 बजे से निकला हूँ क्योंकि ये जो फन रिपब्लिक में पहला शो 9 बजे का था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, लेकिन मैं सुबह से निकला हूँ क्योंकि आज मुझे भोजपुरी फिल्म का रिव्यू लेना था। मैं अंधेरी का जो थिएटर था वो बंद था, इधर मैं शीतल आया वो बंद था, फिर मैं यहाँ पे, मेरे को एक आदमी ने बोला कि यहाँ पे है और आप लोग आने वाले हैं, तो मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा था और मुझे क्या समय गया ये नहीं, लेकिन मुझे दिल्ली से बहुत खुशी हो रही कि मेरे को अच्छे अच्छे लोगों, अच्छे अच्छे स्टारकास्ट से मुलाकात हुई। मैं चाहूँगा कि ये फिल्म काफ़ी हिट हो, चले ऑल ओवर इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में चले, जहाँ भी भोजपुरी लवर्स हैं वो उनको देखें, पसंद करें, और शाह मैडम और झा साहब हीरो हैं जो इनको, कल्पना शाह ना आपने बोला, कल्पना शाह, धीरे धीरे मुझे नाम याद हो जाएगा है, तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म काफ़ी हिट हो, अच्छा कलेक्शन दे। मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ HKV शो की तरफ से। फिल्म के अंदर जो फिल्मी नाम है कुमार घनश्याम है, तो और टाइटल कुछ अपने ही लोग जानते हैं, झा जो है। आप बताइए, आपका फिल्म में क्या नाम? मेरा नाम कल्पना शाह ही नाम है और मुझे लोग कल्पना शाह से ही जानते हैं, ये मेरा रियल नेम है। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों से मैंने रिव्यू लिया जो स्टार के हीरो हीरोइन है यहाँ पे, और आगे हम लोग देखते हैं कि मूवी में क्या होने वाला है, कितने लोग आ रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, HKV शो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, लाइक करें, शेयर करें। मैडम आप भी बोल दीजिए, आप प्लीज़ HKV शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थम दें और व्यूज़ बढ़ाएं। लव यू। ये HKV शो जो है आपके बीच में, आज तक जो है इन्होंने सारे बड़ी बड़ी फिल्मों का रिव्यू दिया है, एंड हम लोग वी आर वेरी लकी दैट कि फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है कि एक भोजपुरी मैथिली फिल्म की जो है इन्होंने रिव्यू लिया है, एंड आई होप सो इट्स विल रॉक। हाँ, HKV शो जो है ये आपको भोजपुरी में भी ये उसी मुकाम पे काम करेगी जो हिंदी में कर रही है। चलिए, मैं अब ये यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और आगे चल के दर्शकों का रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे और फिल्म देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।